हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने अभी देखा कि मेरी एक वीडियो थी जो थी कि हम हमारे जोमेटो स्विगी या किसी भी क्लाउड किचन के ऑर्डर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखने को मिला। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कि उस वीडियो में जो सबसे ज्यादा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया था वो था यूनिक मार्केटिंग, कि यूनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं पुरानी वीडियो का छोटा सा रिकैप आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए थे। उसके आगे फिर मैं आप लोगों को कुछ नए पॉइंट बताऊंगा कि हम ये भी कर सकते हैं तो हमारे ऑर्डर बढ़ेंगे एंड बढ़ेंगे ही सही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि पहला पॉइंट था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक ऑर्डर के साथ 50 पैसे का एक सैनिटाइजर आता है, वो अगर आप परचेज करेंगे हर एक ऑर्डर के साथ देंगे तो हाइजीन भी मेंटेन होगा, तो आपका ऑर्डर भी इंक्रीज होगा एंड फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी भी ऑर्डर के साथ एक ग्रीटिंग कार्ड रख के देते, ग्रीटिंग कार्ड बोले तो जिस पर हम लोग लिख दे थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम माय आउटलेट, प्लीज गिव अस वैल्यूएबल रेटिंग 5 स्टार वगैरह वगैरह, जो भी एक मैसेज लिख के वो कस्टमर का ऊपर नाम लिख कर दे दे एंड वो कस्टमर को भेज दे, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा एंड रेटिंग अच्छी मिलेगी एंड हमारा आउटलेट भी ग्रो होगा क्योंकि वो इंप्रेस हो जाएगा उस चीज से। ये मैंने आप लोगों को बताया था। एंड इन्हीं चीजों के रिलेटेड मैंने कुछ प्रोडक्ट कैसे खरीदने, कहाँ से खरीदने, अगर आप लोग नहीं बना पा रहे, नहीं ला पा रहे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत रीजनेबल। मैंने आप लोगों के सिलेक्टेड ढूंढे कि हाँ सबसे सस्ता कहाँ मिल सकता है, तो वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी। जैसे कि तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि फेस्टिवल के हिसाब से हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई बोले तो जैसे राखी आ रहा है तो राखी का स्टिकर लगा दिया, मैंने वैलेंटाइन डे पे कुछ बताया था आपको कि ग्रीटिंग कार्ड देते छोटे छोटे, ऐसी चीज प्रोडक्ट देते रहो। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में आप कुछ भी नहीं करो, इस फ्लैग वगैरह तो नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है, आप उस पर एक रिटर्न में लिख के दे दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डे स्पेशल, तो क्या होता है इंप्रेस होता है कस्टमर। ये तो कुछ पुराने पॉइंट हो गए, अब नए पॉइंट के लिए चलते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में पहला पॉइंट है लो परसेंटेज डाइनिंग। लो परसेंटेज डाइनिंग कैसे बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाइनिंग ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर विजिट करें, तो कस्टमर विजिट कराने का एक छोटी सी ट्रिक है। आपने लिया एक कार्ड, कार्ड के ऊपर आप लोगों को लिखना है जो भी आप फीडबैक मैंने आपको बताया थैंक यू कार्ड, उसके जस्ट पीछे आपको एक परसेंटेज लिख के देना है 20% ऑफ, यानी कोड लिख देना, आपके जो आउटलेट का नाम है ना उसका नाम लिख देना नीचे एंड कोड लिख देना एंड उन्हें बोलना कि मतलब उस पर लिख देना नीचे स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर में कि आप हमारे यहाँ से विजिट करेंगे तो आपको इतने परसेंट का ऑफ है एंड वैलिड टिल डेट लिख देना। तो वैसे क्या होगा कि वो कस्टमर आपके यहाँ खाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाया बट वो डाइनिंग के लिए आएगा क्योंकि उसके पास कूपन है, वो सोचेगा मुझे ऑफ रिडीम तो कराना है। कूपन रिडीम कराने से ये फायदा होगा, मान लो हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होगा बट इससे हमारा विजिटिंग बढ़ेगी, विजिटिंग बढ़ेगी ना तो क्या होगा कि जब वो विजिट करेगा तो आज तो खा लेगा कल भी खाएगा क्योंकि एक बार आना चाहिए। मोस्टली बहुत से आउटलेट ऐसे होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, उनकी डिशेस इतनी इंप्रेसिव होती है, आउटलेट इतने इंप्रेसिव है बट पहली बार तो कोई इंसान आए, ये मेन चीज होती है। इसी चीज के लिए हर कोई बात करता है कि भाई हमारे इंसान एक बार तो आए, दूसरी बार जरूर आएगा वो सबको पता है, बट पहली बार आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये पहली बार लाने की ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक होती है कॉल द कस्टमर ट्रिक। कॉल द कस्टमर ट्रिक का मतलब ये होता है आपको जब कोई ऑर्डर करता है आपका आउटलेट, आप फ्री रहते हो दिन दिन भर, भाई को ऑर्डर ही नहीं आता तो क्या करोगे, कुछ क्लाउड किचन खोल के बैठे, कुछ रेस्टोरेंट खोल के बैठे, बट खाली बैठे तो क्या करें, इससे अच्छा कुछ इंप्रेसिव करो जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। तो मैंने एक चीज ट्रिक आजमाई थी जब मेरा आउटलेट चालू करा था मैंने, तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक कस्टमर का भैया ऑर्डर आ गया, उसका नंबर दिख जाता है नीचे, तो हम उस नंबर पर कॉल करा, उस नंबर पर मैं कॉल करता था एंड कॉल करके मैं कस्टमर को बोलता था नमस्ते सर, जो भी हिंदी इंग्लिश जो आप प्रेफर कर सकते हो, नमस्ते सर मैं इस आउटलेट से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है एंड मैं आप लोग आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ कि जैसे कि आप, मैं आपका देख पा रहा हूँ आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है मेरा आउटलेट पे, बट अगर आप मेरे यहाँ फिफ्थ ऑर्डर करते हैं, मतलब जो आपको पांचवा ऑर्डर रहेगा उस पर मैं आपको एक डिश अच्छी महंगी डिश अच्छी इंप्रेसिव डिश, महंगी डिश बोले तो आपको पांच ऑर्डर दे चुका हूँ उससे पहले, तो मेरे को आपको ये चीज ये डिश फ्री मिलेगी आप अगर मेरे यहाँ फिफ्थ ऑर्डर करेंगे तो, और आप फिफ्थ ऑर्डर मेरे को जब फिफ्थ ऑर्डर करेंगे तो आप जब वहाँ पे चैट सपोर्ट का ऑप्शन होता है नीचे या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन होते वहाँ पे आप अपना नाम लिख देना और या कोड बता देना कि ये कोड आप लिख दोगे सर तो मैं आपको फिफ्थ ऑर्डर पे ये चीज़ फ्री कर दूंगा। इससे क्या होगा आपको भी लिख के रखना है वो कोड क्योंकि कस्टमर बहुत चालाक होते हैं, एक बार एक ही कोड को दो दो तीन तीन बार रिडीम करा लेते हैं। तो वह ये था कि मैंने भी ट्रिक आजमा के देखी कि भाई ट्रिक करता हूँ ये, मतलब मैंने सोचा था, मेरे जो पार्टनर है उन्होंने मुझे बताया था कि हम ऐसा करते हैं,
वो ट्रिक हम लोगों ने आजमाई, एंड उस ट्रिक से फायदा क्या हुआ पता है, उस बंदे का 5th ऑर्डर मेरे पास 10th ऑर्डर भी आज भी उसका आता है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताता हूँ। कस्टमर को कॉल करना, कस्टमर को बोलो 5th ऑर्डर जो ऑर्डर आपको प्रेफर लगे, कुछ आपको लगता है नहीं 5th बहुत ज्यादा हो जाता है 3rd ऑर्डर भी बोल सकते हो। मैंने 5th इसलिए बोला था क्योंकि जब उसके वो मेरा 2nd ऑर्डर था। तो ऐसी आप चीजें ट्राई कर सकते हो, जिस छोटी छोटी चीजें होती हैं बट ये आइडियाज होते हैं जो हमारे कस्टमर को हमारे पास ला सकते हैं। 2nd ऑप्शन हो गया, अब मैं 3rd ऑप्शन के पास चलता हूँ। 3rd ऑप्शन होता है मिनिमम कॉस्ट परसेंटेज आइटम। मिनिमम कॉस्ट परसेंटेज आइटम मतलब होता है कि हमें सबसे ज्यादा सस्ता सबसे अच्छा डिश, एक डिश बताता हूँ, बर्गर पड़ता है, बर्गर हमें सस्ता पड़ता है। मेरे से डिश की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी डिशेस आपके पास भी होंगी जो आपको कॉस्ट में सस्ती पड़ती है बट बिकती महंगी है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी ने कोई ऑर्डर करा आपके साथ, अब आपको ऑर्डर पता है, ऑर्डर अमाउंट होना चाहिए, ऑर्डर अमाउंट मैटर करता है कि वो जो डिश हम फ्री दे रहे उसका प्राइस निकलेगा नहीं। तो आप क्या, वो एक डिश का ऑर्डर लगाएगा, भैया उसने प्लेटर लगाया, कॉम्बो लगाया, जो भी ऑर्डर लगाया, आपने ऑर्डर रेडी करा, साथ में एक डिश आपको ऐसी रेडी करनी जो आपको उसको फ्री देनी है। आपने उसको डिश फ्री देने के लिए आपको पूरा उसको पैकेजिंग वगैरह सब कुछ कर दी, एंड एक लेटर लिख के देना इंप्रेशन, क्योंकि लेटर दोगे ना, लेटर तो देना ही पड़ेगा, तब तो उसको पता लगेगा कि भैया ऐसा कुछ आ रहा है। अब आपको यहाँ से जब ऑर्डर निकलेगा, अभी कॉल नहीं करना है, पहले ऑर्डर रेडी हो गया, पैक कर दिया, सब कुछ हो गया, एक फ्री डिश रख दी, फ्री डिश को अच्छा पैक कर दिया, ऑर्डर गया, जब डिलीवरी बॉय यहाँ से निकल चुका हो तब हमें कस्टमर को कॉल करना है, एंड हमें बताना है कि सर मैंने आपके लिए स्पेशली ये डिश रख कर दी है, आप ट्राई कीजिएगा, एंड हाँ आपकी वैल्यूएबल रेटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ वैल्यूएबल रेटिंग दीजिएगा। बस इतनी छोटी सी चीज़ होगी आज उसको, मतलब ये होगा कि जब वो ऑर्डर कर चुका होगा ना, तो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद जब उसको कभी फिर से ऑर्डर करने की इच्छा होगी ना, तो वो आपके यहाँ से करेगा, क्योंकि इंडियन है, इंडियन लोगों को फ्री की चीज आ दे दो। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ पता है, ये सारी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज है जो मैं ट्राई कर चुका हूँ। आज मुझे चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आज मेरे पास ऑर्डर्स है भगवान की दुआ से कि चल रहा है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें करी थी, तो आप भी ये चीज़ें करते रहिए। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये दो डब्बियाँ दिख रही होगी आपको, तो आप इस डब्बियों इन डब्बियों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि आप पैकेजिंग मटेरियल से फेमिलियर है, तो इन डब्बियों से भी फेमिलियर होंगे। ये वो है जिसके अंदर आप चटनी पैक करके देते हो, मेयोनीज वगैरह की मेयोनीज पैक करके देते हो, मोमोज की चटनी होगी या कुछ भी साथ में साइड डिश की कुछ भी चटनी पैक करके देते हो, ये भी वही डब्बी है, बट इसमें अपन मोस्टली माउथ फ्रेशनर वगैरह पैक करके देते हैं। अब इसके अंदर पता है मैंने अभी ये कुछ दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन सा क्या रख के दिया, ये है चॉकलेट, 2 रुपये की चॉकलेट आती है जो बहुत टेस्टी होती है, मतलब लोकल प्रोडक्ट में एक चॉकलेट आती है, ऐसे आप मार्केट में आप भी सर्च कर सकते हो। ये जो चॉकलेट आती है ना, इसको मैंने क्या करा, इसका रैपर से खोल दिया, इस डब्बे में रख दिया। अब इसके बाद मैं इस पर पता है क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्टिकी नोट चिपकाने वाला हूँ यहाँ से ऐसे में या ऐसे में, एंड उस पर अपना आउटलेट का नाम एंड छोटा सा मैसेज लिख के रखने वाला हूँ। या अगर मैं स्टिकी नोट नहीं चिपकाता तो मैं जो कार्ड आपको बताया था वो कार्ड लगा के इसके साथ रख के दे दूंगा। तो ये चीज़ जब मैंने ट्राई करी थी तो मुझे स्टार्टिंग में इसका रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं फ्री फोकट की चीज़ें बांट रहा हूँ, बट मैंने सोचा जान दो क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट धीरे धीरे हुआ क्या, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। तो स्टोरी ये थी कि मैं इसको पैक करके देता था, ये दोनों डब्बे आपको इसलिए दिखे, दोनों डब्बियों में से किसी भी डब्बे में आप पैक कर सकते हैं। तो स्टोरी ये थी कि जब मैंने इन डब्बियों में पैक करके देना चालू करा था, मेरा जब आउटलेट चालू हुआ था, तो एक ऑर्डर था, मेरे पास कोई बड़े ऑर्डर नहीं आते थे, 100 रुपये से ऊपर का भी कोई ऑर्डर ही नहीं आता था। मैं बैठा रहता था दिन दिन भर, क्या करूँ कुछ, तो यही जो चीज़ आपको बताई सब ट्राई करता रहता था। तो मेरे पास है ना हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एक ऑर्डर आता था जो 550 के ऊपर का होता था। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि कुछ तो कारण है कि क्या हो रहा है, तो मैं कस्टमर को कॉल कर लिया, एंड कस्टमर से मैंने डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, तो ऐसे नॉर्मली बात करते करते पूछा कि मैम आपको हमारे यहाँ का डिश अच्छा लगता है, कौन सा डिश अच्छा लगता है जो आप ऑर्डर करती है इनमें से। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ की जो डिश है मैं उसके लिए ऑर्डर नहीं कर रही, मेरी बच्ची जो है ना उसको जो चॉकलेट है ना आपके यहाँ की वो बहुत पसंद है, एंड वो कहते हैं ना कि बच्चों को डब्बी पैकेजिंग वो अट्रैक्ट कर गया, एंड वो बस 550 का ऑर्डर मम्मी खा रही है या घर वाले खा रहे हैं, बट वो जो मेन डिश थी ना वो जो छोटी सी चॉकलेट वो मेरा काम करा थी, एंड मेरी सेल इंक्रीज हो गई, एंड आज भी मेरे यहाँ से ऑर्डर करते हैं, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, बट
छोटी छोटी चीजें ही ऐसे हम लोगों को आउटलेट को ले जाती है अपने हिसाब से, जहां आप ले जाना चाहते हो वहां। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक आप भी अजमाते रहिए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या क्या ट्रिक अजमाते हैं अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी सेल अट्रैक्टिव हुई या आपका जो आइडिया है वो अट्रैक्टिव हुआ तो मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, बताऊंगा कि हमारे जो व्यूवर है आपका नाम, कि उन्होंने हमें बताया है कि सेल जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आइडिया मैं आप भी लोगों के लिए और लाता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। है ना, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करोगे तब तो आगे तक साथ चलोगे। अभी तो बहुत सारी चीजें जो लाने के लिए है, मेरे पास आइडियाज भी है कि मैं आपको लोगों को शेयर करूं आइडिया। मतलब बोले तो यूनिक मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें है जो हम ट्राई कर सकते हैं, लो कॉस्ट पैकेजिंग एंड बहुत सारी चीजें। अभी वेट करो आगे तो सब्सक्राइब कर लो, जब तक फिर हम आते रहेंगे। बाय बाय।